बुद्धि जो अपनाए भाग्य का ताला खुल जाए। ओम शांति। सुखों का सागर शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं और हमें भी दुखों से निकालकर अपने समान सुख स्वरूप बना देते हैं। आत्माएं जो केवल साधनों के सुखों में वो वास्तविक सुख ढूंढ रही थी, उन्हें सच्चे सुख की, अतींद्रिय सुख की, हम तो इंद्रियों में ही, इंद्रियों से मिलने वाले रसों में ही सुखों की तलाश कर रहे थे, और बाबा हमें अतींद्रिय सुख की न केवल भासना देते हैं अपितु पूर्ण रीति भर देते हैं। तो इस अतींद्रिय सुख को महसूस करने के लिए ईश्वरीय सुख सागर में डूब जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्थिति चाहिए, कौन सी परिपक्वता चाहिए, क्या निशानियां हैं? आज की साकार मुरली वो सारी निशानियां बताती हैं और हमें सच में संगम युग पर वो जिस अतींद्रिय सुख का गायन है कि गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, उसको जरूर अनुभव करना है। ये लक्ष्य अंदर तक होना चाहिए और ऐसा नहीं कि कभी कभी करना है, रोज करना है, सदा करना है, हर पल करना है। तो उसके लिए क्या करना है, सुनते हैं बाबा के साकार महावाक्यों में। तो आज है 17 जनवरी 2024, बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाबा को प्यार से याद करते रहो। कैसे याद करना है? प्यार से। श्रीमत पर सदा चलो, केवल चलो नहीं, सदा चलो। याद कैसे करना है? प्यार से। श्रीमत पर सदा चलना है। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो, अटेंशन दो नहीं, पूरा अटेंशन दो, तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। क्या करना है रिगार्ड लेने के लिए? ना मांगना नहीं है, तीन काम करने हैं। प्यार से याद करना है, श्रीमत पर सदा चलना है, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। प्रश्न है, अतींद्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? नोट करेंगे, कॉपी में भी और बुद्धि में भी, किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर है, पहला, जो देही अभिमानी है। इसके लिए जब किसी से बात करते हो या समझाते हो तो समझो, मैं आत्मा भाई से बात करता हूँ। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से देही अभिमानी बनते जाएंगे। क्या करना है? देही अभिमानी बनना है। दूसरा, जिन्हें नशा है। क्या नशा है? कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें ही अतींद्रिय सुख का अनुभव होगा। तो बस दो काम करने हैं, भगवान पढ़ाते हैं ये नशा रहे, और देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। कौन
कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने। सूरतिया कुछ ऐसी, आँख न जाने दिल पहचाने। सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूँ तो याद न आए। मूर्तिया ये कैसी, पागल मनवा सोच में डूबा। सपनों का संसार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। दूसरी कोई संस्था में ऐसे नहीं कहते कि बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर सब बच्चों का बाप एक ही है। सब ब्रदर्स हैं, हम सब ब्रदर्स और हम सब का एक बाबा। उस बाप से जरूर बच्चों को वर्षा मिलता है। चक्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि यह है संगम, जबकि मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। सृष्टि चक्र पर समझा सकते हैं कि बिल्कुल टॉप पर है संगम, और इस संगम पर सबको मुक्ति और फिर जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाएंगे तो बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड, उनको ही कहा जाता है। रावण राज्य में कितने ढेर मनुष्य हैं, राम राज्य में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बता सकते ना सृष्टि चक्र पर, एक तरफ राम राज्य एक तरफ रावण राज्य, यहां कितने धर्म और यहां पर एक धर्म। उनको आर्य और अनार्य कहते हैं। आर्य यानी सुधरे हुए, अनार्य न सुधरे हुए को कहा जाता है, जिनमें मैनर्स नहीं है। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते कि सुधरे हुए से अनसुधरे कैसे बने, कैसे बने, ये तो हम जानते हैं। आर्य कोई धर्म नहीं था, सुधरे हुए यह देवताएं थे। फिर 84 जन्म के बाद अनसुधरे बनते हैं, अनार्य बनते हैं। जो ऊंचे ते ऊंच पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े। सृष्टि चक्र में स्पष्ट दिखाई देता है। हमसु का अर्थ भी बाप ही समझाते हैं। सीढ़ी पर समझाना बहुत अच्छा है। अभी चक्र पर समझाया, अब सीढ़ी पर आ जाओ। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, नहीं, यह तो विराट नाटक है। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे फिर पुजारी बने, अर्थात हम सो देवता फिर सो क्षत्रिय फिर सो वैश्य फिर सो शूद्र फिर सो ब्राह्मण
बनते हैं। सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ना, सबकी बुद्धि में सीढ़ी का चित्र आ रहा है ना, तो पापा समझा रहे हैं और हमारी बुद्धि में स्पष्ट पिक्चर्स के साथ आ रहा है ना। तो बाबा कहते हैं यह भी हिसाब है, 84 जन्म कौन लेते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूं। यह चक्र है, उसमें हम ही सो देवता क्षत्रिय आदि बनते हैं। 21 जन्म तो नामी ग्रामी है, मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं, तम प्रधान है। अब तुम बच्चों को ही सारी नॉलेज मिलती है, परंतु मिलती तो है परंतु समझते कोई मुश्किल है। तब कहते हैं कोटों में कोई ही ज्ञान को आकर लेंगे और देवता धर्म वाले बनेंगे। इसमें आश्चर्य नहीं खाना चाहिए, चक्र पर समझाना सहज है। यह सतयुग, यह कलयुग, क्योंकि सतयुग में होते ही बहुत थोड़े हैं। झाड़ छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है, जैसे दुनिया में पहले प्लांट छोटा सा होता है फिर धीरे धीरे पेड़ बन जाता है तो उसके पत्ते फल फूल बहुत बढ़ जाते हैं, वैसे यहाँ भी है। शुरू में थोड़ी आत्माएं थी, फिर यहाँ पर मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ बढ़ता गया। इस झाड़ का किसको पता नहीं है, इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का किसी को पता नहीं है, और ब्रह्मा की बात भी मुश्किल समझते हैं। बोलो ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। यह एडॉप्टेड बच्चे हैं, वह ब्राह्मण है कुख वंशावली, यह ब्राह्मण है मुख वंशावली, यह है पराया रावण राज्य। बाप को आकर राम राज्य स्थापन करना होता है, तो किसमें तो प्रवेश करेंगे ना। देखो यह झाड़ के एकदम पिछाड़ी में खड़ा है, तो पहले सृष्टि चक्र, फिर सीढ़ी और अब झाड़, है ना। तो झाड़ के एकदम पिछाड़ी में खड़ा है, इनकी जड़ जड़ी भूत अवस्था है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करते हैं। यह अंतिम 84वां जन्म है, तपस्या कर रहे हैं। हम इनको भगवान नहीं कहते हैं, दुनिया वालों ने तो भगवान को सर्वव्यापी कह ठिक्कर भित्तर में कह दिया है, इसलिए खुद भी पूरे ठिक्कर बन पड़े हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। देवताओं की तो बात ही न्यारी है। अब तुम पढ़कर पढ़कर क्या बन रहे हो, अब तुम पढ़कर यह पद पाते हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। इन देवताओं को भगवान भगवती भी कहते हैं क्योंकि पवित्र हैं और स्वयं भगवान द्वारा ही इस धर्म की स्थापना हुई है, इसलिए उन्हें भगवान भगवती भी कहते हैं। तो ज़रूर भगवान भगवती होने चाहिए, वैसे गॉड एक ही है लेकिन कह देते हैं क्यों, क्योंकि भगवान से ही ज्ञान लेकर वो ऐसे बने हैं। तो बाबा कह रहे परंतु उनको कहा जाता है महारानी महाराजा, बाकी श्री लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहना भी अंधश्रद्धा है, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। तुम शिव और शंकर को भी अलग कर बताते हो, अब इस चित्र पर आ जाओ, शिव और शंकर में अंतर। इस पर वो लोग कहते हैं यह देवताओं को भी उड़ा देते हैं, तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है,
परंतु जो महारथी हैं वही अच्छी तरह समझा सकते हैं ना। चित्र तो सबके पास है, लेकिन चित्रों को समझाने का जो ढंग है वो सबका अलग अलग है। जो महारथी हैं वो चित्रों पर अच्छी तरह समझा सकते हैं। बहुत हैं जो भल सुनते हैं परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं, तो वह क्या बनेंगे? पाई पैसे के दास दासियां बनेंगे। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे, परंतु उस समय कुछ कर नहीं सकते। साक्षात्कार हो गया कि भाई ये बनने वाले हो, फिर उस समय क्या करेंगे? टाइम पूरा हो गया फिर क्या कर सकेंगे? रिजल्ट आउट होने के बाद कोई पुरुषार्थ थोड़ा ना करता है, कोई बच्चा पढ़ाई थोड़ा ना कर सकता है। इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं। परंतु सब ऊंच चढ़ जाएं यह तो हो नहीं सकता। बर्तन साफ नहीं है, बुद्धि में किचड़ पट्टी भरी हुई है। बर्तन साफ नहीं है, बुद्धि में दुनियावी किचड़ पट्टी भरी हुई है। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए, चित्रों पर समझाने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। केवल पता होना ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस करते हैं, समझाते हैं, एक बार अटकेंगे, दूसरी बार और क्लैरिटी से समझाएंगे, फिर और क्लैरिटी आती जाएगी। जितना समझाते जाएंगे बुद्धि भी बिल्कुल स्पष्ट होती जाएगी, और फिर दूसरों को समझाते हैं तो और कई बातें क्लियर होती जाती हैं। तो अब कहते नहीं तो पिछाड़ी में पछताना पड़ेगा। यह आत्मा को फूड यानी भोजन मिल रहा है। ये ज्ञान क्या है? आत्मा का फूड है, है ना, ये भोजन है आत्मा का। यह तो सबको समझाने की बातें हैं, डरने की कोई बात नहीं। बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी म्यूजियम होने से नाम होता है। बाबा ने कहा था सबसे ओपिनियन लिखाओ, वह भी छपानी चाहिए। ओपिनियन बुक बाबा चाहते हैं वो भी प्रिंट होनी चाहिए। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, इसमें जांच भी बहुत करनी है, अपने अंदर जांच करनी है, समझने वाले हैं या नहीं। परखने की बुद्धि चाहिए कि ये आत्मा समझने वाली है या नहीं है। बाबा कहते हैं यह है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। यह तो कोई भी समझ सकते हैं, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है, इसलिए मनुष्य मूंझ पड़े हैं। आयु बढ़ा दी है ना शास्त्रों में। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जो देही अभिमानी होकर रहते हैं, नोट करेंगे आज इस पॉइंट को, जो देही अभिमानी होकर रहते हैं अतिंद्रिय सुख उनको ही रह सकता है। पक्का कर लें, सिर्फ भाषण से काम नहीं होगा, अतिंद्रिय सुख का अनुभव करना है, देही अभिमानी बनना है। जब भाषण करते हो तो भी समझना है, क्या समझना है? कि मैं आत्मा भाई भाई को समझाता हूँ। आत्म अभिमानी बनना, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। परंतु क्या होता है, बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसा नहीं याद नहीं रहता, याद आता है फिर भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इसका अर्थ भी तुम ही जान सकते हो, है ना। यथार्थ अर्थ हम ही जान सकते हैं। जो महारथी है उनको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। तब तो अपने को पावरफुल समझेंगे। जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते वह क्या धारणा करेंगे? धारणा का आधार है आत्मिक स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति। जब तक
अपने को आत्मा समझा ही नहीं है तो धारणा कैसे करेंगे। याद से ही तुम्हारे में जौहर भरेगा। ज्ञान को बल नहीं कहा जाता है, योग बल कहा जाता है। योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। अब तुमको बहुतों को आप समान बनाना है ना। खुद तो पावरफुल बन गए, अभी बहुतों को बनाना है। जब तक बहुतों को आप समान नहीं बनाया है तब तक विनाश हो ना सके। भल बड़ी लड़ाई लग जाए परंतु फिर बंद होती रहती है। अभी तो बहुतों के पास बॉम्ब्स हैं परंतु यह रखने की चीज नहीं है। पुरानी दुनिया का विनाश और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना होनी है जरूर, दोनों चीजें होनी है। थोड़े समय के बाद सब कहेंगे बरोबर यह वही महाभारी लड़ाई है जिसका गायन शास्त्रों में है, महाभारी महाभारत लड़ाई। तो फिर सबके मन से ऑटोमेटिकली निकलेगा भगवान भी है जरूर। दिखाते हैं ना महाभारत युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो इस कर्म क्षेत्र में जब ऐसी समय होता है तब परमपिता परमात्मा हमें ये गीता ज्ञान देते हैं। तो भगवान भी है जरूर। जब तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे तब सब मानने लगेंगे, कहेंगे यह तो वृद्धि को पाते रहते हैं, इनमें बहुत माइट है। तुम जितना याद में रहेंगे उतनी तुम्हारे में ताकत भरेगी। बाप की याद से ही तुम औरों को लाइट देते हो। बाबा की याद से औरों को ज्ञान सुनाते हैं, उनको भी लाइट और माइट है ना देते हैं। यह दादा यानी ब्रह्मा भी कहते हैं मेरे से भी यह बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अभी थोड़ी देरी है, योग में यथार्थ रीति कोई रह नहीं सकता। खुद भी फील करते हैं कि योग में हम कम हैं, इसलिए बराबर तीर नहीं लगता है। भगवान कुमारियों में ज्ञान बाण भरते हैं। पवित्र बुद्धि होती है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां होना, यह है ब्रह्मा। तुम हो एडॉप्टेड बच्चे। क्रिएटर तो एक ही है, ब्रह्मा का भी और हम एडॉप्टेड बच्चों का भी। बाकी सब पढ़ रहे हैं, उसमें यह ब्रह्मा भी आ गया। फिर यह रचना हो गई ना, तुम देवता बनने वाले हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। कहाँ कहाँ दोनों पहिए चल नहीं सकते फैमिली के अंदर, हस्बैंड और वाइफ। अब कहते कहाँ कहाँ पर दोनों नहीं चल सकते, जैसे कि रेती पर खड़े हैं। कुछ भी हो सकता है। बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो समझना चाहिए बाबा सच कहते हैं। बच्चे भी एक दो के स्वभाव को जान सकते हैं, जिनका आपस में काम रहता है पता चल जाता है ना। बच्चे समझते हैं हम ही सिरताज थे, अब फिर बनते हैं। पहले तुम किसको समझाते हो तो मानने के लिए तैयार नहीं होते शुरू में, बिल्कुल शुरू में कोई तैयार नहीं होता। फिर धीरे धीरे समझते हैं। इसमें बुद्धि बहुत चाहिए। आत्मा में बुद्धि है। आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाया जाता है। जब तक बाप न आए तब तक कोई देही अभिमानी बन ना सके ना। सब बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। जब शिव बाबा आते हैं तब हमें स्वयं का परिचय मिलता है,
खुद खुदा आकर हमें खुद से मिलाता है। तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी भव, माम एकम याद करो तो मेरे से शक्ति मिलेगी। ये विधि है, पहले सोल कॉन्शियस स्टेज, फिर बाबा को याद करो, केवल एक बाबा को, फिर शक्ति मिलेगी। ये धर्म बहुत ताकत वाला है, ये जो मुख्य धारणा है ना, बहुत ताकत देती है। सारे विश्व पर राज्य करते हैं, कम बात है क्या? तुमको ताकत मिलती है बाप के साथ योग लगाने से। यह है नई बात जो अच्छी रीति समझाना पड़ता है। आत्माओं का बेहद का बाप वही है, वही नई दुनिया का रचयिता है। तो शिव का ऑक्यूपेशन समझाओ कि वह आकर क्या करते हैं, समझाओ कि बाबा आते हैं तो क्या करते हैं। श्री कृष्ण जयंती और शिव जयंती दोनों की मनाते हैं। अब दोनों में बड़ा कौन? ऊंच ते ऊंच निराकार। उसने क्या किया जो शिव जयंती मनाई जाती है? कृष्ण ने क्या किया? लिखा हुआ है कि परमपिता परमात्मा साधारण बूढ़े तन में आकर स्थापना करते हैं ना। ये तो भक्ति मार्ग की गीता में भी लिखा है कि मैं वृद्ध मानव तन का आधार लेता हूं। अनेक प्रकार के मत मतांतर हैं, श्रीमत तो एक ही है जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। दुनिया में बहुत तरह के मते हैं, परंतु श्रीमत एक ही है जिससे हम श्रेष्ठ बनते हैं। मानव मत से श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? यह ईश्वरीय मत जो तुमको एक ही बार संगम पर मिलती है। देवताएं तो मत देते नहीं, मनुष्य से देवता बन गए, बस खलास। अब कौन सी मत चाहिए? किसी की कोई मत नहीं चाहिए। वहां गुरु आदि भी नहीं करते, यहां मनुष्य मत लेते हैं गुरु की। बुद्धि मलिन हो जाती है ना, तो फिर एक दो की मत की आवश्यकता पड़ती है। पवित्र बुद्धि है ना, दिव्य बुद्धि है, तो किसी के मत की जरूरत नहीं है। तो युक्ति से समझाना है, हम हैं राजयोगी। हठ योगी कभी राजयोग सिखला ना सकें, वह हैं ही निवृत्ति मार्ग वाले। तीर्थों पर प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही जाना है। तुम बच्चों को कोई भी बात में मूंझना नहीं है, बाबा की किसी भी बात में कंफ्यूज नहीं होना है। यह ड्रामा बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है। तुम्हारी सर्विस भी कल्प पहले मिसल होती है। ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराते हैं, वह भी तुम करते हो कल्प पहले मिसल, बिल्कुल वैसा ही पुरुषार्थ करते हैं, वैसी ही सेवा करते हैं। पुरुषार्थ वालों की चलन से तुम समझ सकते हो। तब तो प्रदर्शनी में ग्रुप देखकर गाइड दिया जाता है ताकि अच्छी रीति समझा सके। पढ़ाने वाला बाप तो अच्छी रीति जानते हैं, कितनी विशाल बेहद की बुद्धि बनाते हैं। तुमको नशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं। नशा है, भगवान हमको पढ़ाते हैं, किसके बच्चे हैं, कौन हमें पढ़ाते हैं। नशा रहना चाहिए, कोई नहीं पढ़ सकते तो भाग जाते हैं। भगवान भी समझते हैं ये हमारा बच्चा नहीं है। तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ते थे, फिर भाग गए, फिर कुछ समझ में आ जाता है तो फिर भी पढ़ने लग जाते हैं।
ऐसे भी होता है। फिर योग में अच्छी रीति रहें तो ऊंच पद पा सकते हैं, दोबारा भी आ जाते हैं। समझेंगे बरोबर, हमने टाइम बहुत वेस्ट किया जो ऐसा स्कूल छोड़ दिया। अब तो ज़रूर बाप से वर्षा लेंगे, बाप को याद करते करते अथवा बाबा बाबा कहे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा हमको ऊंच पद प्राप्त कराते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं, हो रहे हैं सबके रोमांच खड़े। घड़ी घड़ी बाबा की याद रहे, डायरेक्शन पर चलता रहे तो बहुत उन्नति हो सकती है। फिर उनको सभी बहुत रिगार्ड देंगे जो ऐसा करेंगे तो। बाबा कहते पढ़े आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे, तो फिर क्या करना है, पढ़ना है ना। दे अभिमान वाले को दैवी गुणों की धारणा हो ना सके। तुम्हारा चेहरा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कहते हैं अतिंद्रिय सुख उन्हों से पूछो जिन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कितना पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। क्या करना है, दो चीजें, पढ़ाई पर अटेंशन देना है और श्रीमत पर चलना है। तुम्हारे योग की ताकत से विश्व भी पवित्र बन जाता है। तुम योग से विश्व को पवित्र बनाते हो, कमाल है। गोवर्धन पहाड़ को अंगुली पर उठाना है। इस छीछी दुनिया को जिन्होंने पवित्र बनाया यह उनकी निशानी है ना। ये जो गोवर्धन पर्वत को दिखाते हैं ना कि उंगली पर उठाया, तो ये उसकी निशानी है जिन्होंने पवित्रता के बल से, योग के बल से इस पुरानी दुनिया को उठा दिया, नई दुनिया ले आए। अच्छा अच्छा बच्चों बाप जान प्रेम से रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाना है। व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना है। दूसरा, दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे अतिंद्रिय सुख का अनुभव करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, वही हमको पढ़ाते हैं। आज का वरदान है निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। कैसे बनेंगे निश्चय बुद्धि निश्चिंत? जब निश्चय के फाउंडेशन से संपूर्णता तक पहुंचेंगे। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है और यह फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि हैं वह सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय बुद्धि, स्वयं में निश्चय, बाबा पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय, परिवार पे निश्चय, पूरा निश्चय। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। और बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पाठ बजा रहे हैं उसे यथार्थ जानना।
ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। स्लोगन है, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। क्या दान करना है? अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। अभी अव्यक्त मास के पुरुषार्थ का पॉइंट, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो, जिसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसे जो दूसरे समझते कि यह कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है, तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखे। तो ऐसा अभ्यास, ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है, बिल्कुल लाइट और माइट, देह भी दिखाई ना दे, तब होगी यथार्थ सेफ्टी माया से, दुनिया के प्रभावों से। तो इसका अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति। कितनी ही सदियां बीते, ये जग
पत्थर भी पिघले। रहेंगे जले कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। हमेशा रहेंगे।